दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम सस्ते स्टॉक्स यानी कि पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी के स्टॉक्स अगर उठाते हैं, एक रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, पंद्रह रुपये के स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मल्टीवैगर रिटर्न्स मिलेंगे, 5,000 रुपये का 1 करोड़ हो जाएगा, हम भी राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़ारों में से कुछ ही स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें कि वाकई में पोटेंशियल होता है आपको एक मल्टीवैगर रिटर्न्स देने का, और ऐसा पोटेंशियल अगर हम पकड़ लेते हैं, दाम को नहीं देखते हैं, वैल्यूएशन को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो हमें मल्टीवैगर रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से जरूर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया हुआ अपनी फेस वैल्यू का स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स, राइट्स इशू, ये सब क्या होते हैं अगर हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझ लेते हैं तो आई थिंक हमारा काम आसान हो जाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, और मोस्टली हमें मल्टीवैगर स्टॉक्स ही मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया लिमिटेड, और डिटेल में हम बात करेंगे, यहाँ पे पूरी एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि टेक्निकली करंट प्राइस पे क्या हम इसको बाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप ये मत देखिए कि 3500 रुपये का स्टॉक है, आप ये मत देखिए कि 3500 रुपये का स्टॉक है। अगर 3500 रुपये का स्टॉक 35,000 रुपये तक जाने का काबिलियत रखता है तो हमें 3500 रुपये स्टॉक मार्केट में खर्च कर देने चाहिए। अगर हम 3500 रुपये में 100 स्टॉक्स बाई करें जिसका कि एक शेयर प्राइस 35 रुपये का है, और एक शेयर अगर हम 35 रुपये का बाई करें, और इस केस में मोस्टली क्या होता है कि जो 35 रुपये का स्टॉक है वो आगे चलकर 5 रुपये का हो सकता है, लेकिन जो 3500 रुपये का स्टॉक है वो आगे चलकर 5,000 का हो सकता है, या हो सकता है कि आपको हमेशा 2,500 का देखने को मिले क्योंकि कंपनी बोनस शेयर इशू करती रहती है। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होगा, है या नहीं है तो दूसरा डीमैट अकाउंट आप ओपन करिए एंजल वन एंजल ब्रोकिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ जो पहले साल का AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज है वो भी यहाँ पर फ्री है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स पर यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप FNO वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ओपन करिए ग्रो के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ AMC यहाँ पर फ्री है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे 0.05% या 20 रुपीज़ आपको देने होते हैं ब्रोकरेज के तौर पर जब भी आप इंट्राडे FNO वगैरह में ट्रेड करते हैं। ठीक, तो हमेशा आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए स्टॉक मार्केट में। जनरली होता क्या है, मान लीजिए मार्च 2020 के क्रैश की सिचुएशन की बात करें तो कुछ 1-3 बार ऐसा हुआ था कि अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हमारे पर्टिकुलर डे पर धराशायी हो गए थे। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन में 2 डीमैट अकाउंट्स हैं तो हम दूसरे डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ायदा उठाने के लिए उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की करंट स्टेटस की, यानी कि करंटली टेक्निकली कहाँ पर ये और क्या हमें इसमें बाइंग करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बात दोहरा रहा हूँ, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि 3500 रुपये का स्टॉक है या 35 रुपये का स्टॉक है। अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मल्टीबैगर रिटर्न्स पाने की तभी आपको बाई करना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये स्टॉक 4500 रुपये के आसपास रिसेंटली गया था, उसके बाद ये करेक्शन आ रहा है, ये जो करेक्शन आ रहा है करंटली 2770 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इसमें गिरावट अच्छी हुई थी बट गिरावट के बाद इसने रिवर्ट भी कर लिया, और यहाँ पे देखिए 2770 रुपये 4500 रुपये बहुत अच्छा डिस्काउंट है रीसेंट हाई से। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, आपको ये देखना चाहिए कि अगर डिस्काउंट मिल रहा है अच्छे स्टॉक्स में रीसेंट हाई से तो हमें बाई करने की कंसीडरेशन जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे RSI लेवल्स भी बाइंग जोन में जा रहे हैं और ऑसम ऑक्सिलेटर के पास भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बनने के तैयार हो रहे हैं, और सबसे अच्छी बात 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंटली नो डाउट इसमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल्स। तो करेंटली आप देखिए 2773 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 86 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 86 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है ओवर वैल्यूड है करेंटली करंट प्राइसेस पर। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड करती क्या है और इसमें आने वाला 15-20 सालों में क्या स्कोप है, और यहाँ पर कोशिश हमें करनी चाहिए किसी दिन 3% की गिरावट हुई तो हम इसमें SIP कर सकें। SIP का मतलब एक स्टॉक एटलीस्ट बाई कर सकें। अब पिज्ज़ा खाने का मन होता है तो हम ऑर्डर कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 2,500-3,000 रुपये का पिज़्ज़ा हम पार्टी कर लेते हैं, बट एक शेयर यहाँ पर बाई करना है तो हम हज़ारों बार सोचते हैं कि भाई
3500 रुपये का शेयर है, कल को चल के 2000 रुपये का हो गया या 1500 रुपये का हो गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना होता है। महज 2773 रुपये हम पार्टी में खर्च कर देते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बाई कर सकते हैं, क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो जो डिविडेंड यील्ड है इसका वो 0.22% के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% के आसपास है। बेहतरीन रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और इसके ऑल टाइम चार्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट पे कितना शानदार चार्ट पैटर्न बना के दिया था, हाइयर हाइज हाइयर लोज का पैटर्न। और यहाँ पे 4445 रुपये के आसपास के बाद से एक अच्छी खासी यहाँ पे डिस्काउंट बार्गेन प्राइस भी मिल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे जो स्टॉक्स अपने सेगमेंट में एक तरह से लीडर्स हों। क्योंकि पिज्जा आप खरीदने जाते हैं, आप जनरली देखिए कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, बट फिर भी आप डोमिनोज का पिज्जा ही प्रेफर करते हैं मोस्टली, आई एम श्योर। यहाँ पे देखिए 5 साल का रिटर्न, पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 446% के आसपास, पिछले 3 साल में 100% और पिछले 6 महीने में 34% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्टमेंट की। और ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में आपको ग्रोथ हो रही है, नेट इनकम में ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में रहते हुए हमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे स्टॉक्स हमें बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए अपनी पोर्टफोलियो से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 42% के आसपास शेयर होल्डिंग है, थोड़ी बहुत प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग हो रखी है, बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्लेजिंग अपनी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 6% का। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जिस कंपनी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट 10% से कम हो वैसी कंपनियाँ तो जरूर से जरूर हमारी पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लियरली 50% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कि पता होता है कंपनी कैसी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, और वो अपॉर्चुनिटी के साथ उसमें बाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखिए, कंपनी का रेवेन्यू सेल्स वगैरह हमेशा ग्रो कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हमेशा ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आगे है और कैश फ्लो के मामले में आगे है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में मिस नहीं करनी चाहिए। और जहां तक रही बात यहां पे आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 2018 में इन्होंने बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया था, और साथ ही साथ यहां पे रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट किया था स्टॉक स्प्लिट का। तो स्टॉक स्प्लिट करने के बाद इनकी जो नई फेस वैल्यू हो जाएगी वो 5 की हो जाएगी। तो जो करंट प्राइस चल रहा है 2700 रुपये के आसपास, हो सकता है यहाँ पे जो एक्स डेट है 19 अप्रैल 2022 उसके पहले पहले हो सकता है ये स्टॉक 3000 तक जा सकता है, या हो सकता है 2500 रुपये तक भी जा सकता है। हम उसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जा रहे, बट ओवरऑल देखा जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 18 अप्रैल 2022 को। तो मान लीजिए 3000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 17 तारीख को, तो 18 तारीख को ये 5 से डिवाइड करिए 600 रुपये पे ट्रेड करेगा। तो ये सब बातें अगर हमें पता होती है, राइट, तो हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉजिकल डिसीजन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हमें ये नहीं देखते कि 600 रुपये का स्टॉक है या 3000 रुपये का स्टॉक है। अगर हम देखते हैं कि पोटेंशियल उनमें है आगे बढ़ने का, TCS वगैरह देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखिए, HDFC बैंक लिमिटेड देखिए, इन्होंने क्यों ग्रो किया, क्योंकि इन्होंने हमेशा फोकस रखा ग्रोथ पर। और जो कंपनी ग्रोथ करती है, जिस कंपनी में आपको ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिलती है, ऐसी कंपनियों में हम एक अच्छी प्राइस पे एंट्री करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स जरूर से जरूर मिलने हैं। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये स्टॉक कैसा स्टॉक है। और जहाँ तक रही बात बोनस स्टॉक की, तो बोनस स्टॉक क्या होता है इसके लिए आप जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल बोनस, आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आप सीख सकते हैं कि बोनस कैसे कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको देता है स्टॉक मार्केट से। आप टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल स्टॉक स्प्लिट, आपको स्टॉक स्प्लिट वाली वीडियो मिल जाएगी, आप वो देखिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप जितना सीखते हैं उतना अच्छा प्रॉफिट कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आई थिंक उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की वो ट्रेडब्रेंस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए की है, आप भी ट्रेडब्रेंस पोर्टल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इनके कई सारे पेड प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया हुआ एंड्रॉयड और iOS ऐप, तो आप उनको भी डाउनलोड करके मोबाइल पर फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।